नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्लांट है डायमंड फ्रॉस्ट स्नो बॉस। इसे यूफोर्बिया लेकोसेफाला स्नो फ्लैक बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और ये प्लांट मैं पहले भी लाया था दोस्तों, लेकिन देखिए अभी ये दिसंबर फर्स्ट वीक से खिलना शुरू हो गया था, अभी 20 तारीख हो गया है, भर गया है दोस्तों। और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल है, और देखिए कैनोपी जैसा बना लेता है, इसलिए बहुत अच्छा दिखता है। और स्नो ही जैसे मानो गिरा हुआ हो दोस्तों, तो स्नो फ्लैक इसलिए इसका नाम है। और छोटा छोटा फूल लेकिन बहुत प्यारा दिखता है, और पास ऐसे अगर आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया खुशबू आता है, और दूर में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा भीनी भीनी खुशबू देता है। तो दोस्तों खूबसूरती के साथ साथ ये खुशबू भी बिखरता है, तो बहुत बढ़िया प्लांट है। हिंदी यूट्यूब चैनल में दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारियाँ है नहीं, और पता नहीं क्यों कोई यूट्यूबर इसे रखता नहीं है और इसे अपलोड भी नहीं करता इसका वीडियो। लेकिन इसका खूबसूरती देखिए, हर कोई लगाना चाहिए दोस्तों इसको, लेकिन मिलता नहीं है आसानी से। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों 100 से 150 रुपया में ये नर्सरी में मिल जाता है। और इसके सेंटर से देखिए स्टार जैसा एक फूल आता है, और उससे ही खुशबू बिखरता है दोस्तों। और दिसंबर लास्ट यानी कि जनवरी फर्स्ट तक ये चला जाएगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला सीजन होता है इसका, करीब एक महीने के ऊपर चलता है। और पत्ता नहीं रहता है और पूरा व्हाइट दिखता है, इसलिए बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों। इसका प्लांट मैक्सिमम हाइट आपका 10 फीट 12 फीट तक भी चला जाता है, और बड़ा सा पेड़ बन जाता है दोस्तों। और ये देखिए ये नर्सरी का व्यू है, और नर्सरी में इसका हाइट करीब 10 फीट के ऊपर चला गया है, और ऐसा झाड़ीदार पौधा है और हाइट तक भी जाता है। और ये मदर प्लांट सब है, देखिए गमले में ही कितना हाइट तक आ गया है ये। और अगर आप इसका कटिंग भी लगाते हो तो बहुत आसानी से बन जाता है। ये दोस्तों पेरिनियल प्लांट है, और फुल सन में चलता है। कुछ सब्सक्राइबर सवाल किए थे, सर इसे छांव में रखना है कि सन में रखना है? फुल सन में रखिए इसको, और कुछ केयर नहीं, बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। तो आज का ये प्लांट आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियो और जानकारियाँ मैं लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में। नमस्कार।